हेलो एंड नमस्ते टू ऑल, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पहाड़ी बहू व्लॉग्स में। आज तैयारी है पहाड़ी हांडी मटन बनाने की, तो देखिए क्या क्या है। यहाँ पर मैंने लिया है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और खड़े मसाले। खड़े मसालों में तेज पत्ता, दालचीनी, मोटी इलायची, हरी इलायची, लौंग और काली मिर्च। तो चलिए अब मैं बताती हूँ आपको पहाड़ी हांडी मटन कैसे बनाते हैं। यहाँ हांडी चूल्हे पे चढ़ा दी है और उसको गर्म करने के बाद मैंने उसमें डाला है सरसों का तेल। आँच बिल्कुल हल्की रखनी है चूल्हे में, क्योंकि मिट्टी का बर्तन है, स्टील का या फिर और बर्तन नहीं है। ज़्यादा तेज़ आँच होगी तो हांडी टूटने का डर रहता है। और ये है हमारा फ्रेशली कटा हुआ मटन, मसाले सारे रेडी हैं। तो अब मैंने बस क्या किया है, जो अदरक लहसुन और जो हरी मिर्च है मेरी, मैंने उनको पीसने की जगह जो है, ये जो मेरा छोटा सा जो शॉपर है ना, आप देख सकते हैं, इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है, इसमें मैंने उसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। मुझे मतलब पेस्ट नहीं चाहिए था, बिकॉज़ हांडी में बना रहे हैं तो वैसे ही वो सब कुछ गल जाएगा। जब मटन गल सकता है तो ये तो गल ही जाएगा, इसलिए मैंने उसमें चॉप किया। तो तेल गर्म हो गया है, अब मैंने इसमें डाले हैं खड़े मसाले। तो खड़े मसाले सीधा तेल में डाले हैं और अब ऊपर से डाला है प्याज, और इसको हम अच्छे से आराम से भूनने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर ढककर, क्योंकि अगर आप हांडी में ओपन करके पकाएंगे ना तो वो इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा। इसको ढककर हमें अच्छे से भूनने देना है और करछी बड़े आराम आराम से धीरे धीरे चलानी है। ध्यान रखना है कि जो बर्तन है वो मिट्टी का है, आँच बिल्कुल मीडियम हल्की होनी चाहिए, तेज नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, टाइम लगेगा बनाने में, बट यहाँ पर मैंने प्याज डालकर अब इसको अच्छे से भूनने के लिए मैंने रख दिया है। यहाँ पर देखिए प्याज अच्छे से भुन गया है। अब इसी टाइम पर मैं ऐड कर दूंगी इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च बारीक जो काट ली थी मैंने चॉपर में, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इनका भी फ्लेवर्स अच्छे से निकल के जो है ऑयल में आ जाए, प्याज के साथ मिक्स हो जाए। अब इसमें बारी आती है टमाटर ऐड करने की। यहाँ मैंने बड़े बड़े से, ज़्यादा बारीक नहीं, बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने कट किया है, क्योंकि ज़्यादा बारीक टमाटर जो है ना गलने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए बड़ा साइज़ का टमाटर लिया है जो ईज़िली गल जाएगा। यहाँ पर मैं अब इसको अच्छे से हम जो चला लेंगे पकने के लिए, इसको हमें थोड़ी देर रहने देना है और टमाटर भी अच्छी तरह से इसमें हो जाएंगे। मसाले हम ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज हांडी में बन रहा है वैसे ही उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ज़्यादा आर्टिफिशियल कुछ नहीं डालना है हमें। यहाँ पर मैंने डाली है हल्दी, ये है घर की कुटी हुई हल्दी, हल्दी डाली है हल्की। साथ में हम ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना आपको पसंद हो, जितना आप लोग खाते हो उस हिसाब से नमक डाला है। साथ में अभी हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा ग्रेवी को थिकनेस देने के लिए। धनिया पाउडर के साथ, बिकॉज मैंने हरी मिर्च ऑलरेडी काट के डाली हुई है, तो थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, बिकॉज हम खाने में ज़्यादातर हरी मिर्च का यूज़ करते हैं, बस लाल मिर्च थोड़ा सा जो है कलर ऐड कर देता है और कुछ नहीं, बाकी हरी मिर्चें मैंने ऑलरेडी काट के डाली हुई हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे टमाटर जो है अच्छे से थोड़े से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, और इसको जो है हमें ढक कर थोड़ा सा मसाले को हमें पकने देना है। यहाँ पर थोड़ा सा हमने पानी डाल दिया है हांडी में, और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हुए, बिकॉज ये उन्हीं का फेवरेट खाना है जो पहाड़ी मटन है, ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो पूरी मेहनत मेरे साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसको ढक देंगे। अब यहाँ देखिए टमाटर जो है हो चुका है अच्छे से, थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, और बाकी का मैं चाहती हूँ कि ये जो मटन है, मटन ऑलरेडी इतना हार्ड है, बाकी जो है मटन के साथ अच्छे से उसी के साथ पक जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मटन। तो मुझे थोड़ा सा हाथ लगाने में थोड़ा गिजगिज लगता है, इसलिए मैं करछी की हेल्प से जो है इसको इसमें डाल रही हूँ। सारा डालने के बाद ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना नहीं घुमाना है, बिकॉज़ वो अपने आप स्लो होके अच्छे से मिक्स हो जाएगा। सारा मटन जो है हम इसमें ऐड कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर थोड़ा पानी डालकर हमें इसके लिए पकने के लिए रहने देना है। यहाँ पर मैं मटन डाल दिया है सारा,
पीसेस बहुत अच्छे कट किए हुए हैं, बड़े बड़े पीसेस हांडी के हिसाब से, ज़्यादा छोटे होते हैं तो वो कुक भी ढंग से नहीं हो पाते और अच्छा भी लगता है, उनकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनती। ये जो बड़े पीसेस है ये जब कुक होंगी हांडी में तो उनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। दूसरी चीज़, हांडी में स्लो कुक होता है तो ये एकदम गलता नहीं है, इसका साइज़ जो है ना शेप बनी रहती है, बस वो अंदर से अच्छे से पक जाता है, वो बॉयल हो जाता है लेकिन उसकी शेप ख़राब नहीं होती। ये फ़ायदा होता है हांडी का। तो यहाँ पर अच्छे से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। आप तो ऑब्वियसली जब भी उत्तराखंड जाते हैं तो उत्तराखंड के साइड में जो आपको हांडी मटन देखने के लिए मिलता है ना, पहाड़ी मटन, इसी तरह से बनाया जाता है। सो आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें इसी तरह की रेसिपीज़ और कुछ थोड़े से ट्रिप्स, एडिशनल ट्रिप्स के साथ। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नींबू। नींबू क्या करता है, आपके सारे मसालों के फ्लेवर्स को बैलेंस कर देता है। अगर खाने में कभी नमक तेज़ हो जाए या कुछ मसाला आपका तेज़ हो जाए ना, तो थोड़ा सा उसमें नींबू ऐड कर दें, वो जो है उसका सब कुछ बैलेंस कर देता है और मटन को कुक होने में भी उसके जो फ्लेवर्स को है ना और ज़्यादा बढ़ा देता है, अंदर तक उसका फ्लेवर चल जाता है। ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा डाल के तो खट्टा हो जाएगा। सो यहाँ डालना है नींबू और ये देखिए मटन बिल्कुल भुन चुका है, पक चुका है, बढ़िया सी भाप इसमें आ रही है एकदम अच्छे से। थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको दोबारा पकने के लिए रख दिया है ताकि ग्रेवी इसमें बन जाए। सो यहाँ देखिए बिल्कुल इसकी ग्रेवी हो चुकी है चावल के साथ खाने के लिए एकदम रेडी। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरीके का डिलीशियस पहाड़ी खाना देखने के लिए और पहाड़ों से रिलेटेड चीज़ें देखने के लिए। मेरे साथ आप करिएगा पहाड़ों की सैर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें।